नमस्कार मित्रों, मैं संदीप चौधरी संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेलवे के 1 करोड़ आवेदन रिजेक्ट किसके हुए हैं, आप अपना आवेदन किस प्रकार चेक करोगे। तो किस प्रकार आपको आवेदन चेक करना है, इस वीडियो में जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अपना जो प्रिंट है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे किस प्रकार आपको ढूंढना है आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं। तो वीडियो पर चलने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की, ठीक है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड 7CPC के तहत वैकेंसी निकली हुई थी, आपको पता ही है इस बात को, 7CPC के तहत ये वैकेंसीज निकली हुई थी, ठीक है। यदि आप इसके होम पेज पर जाना चाहोगे तो यहाँ क्लिक करना है आपको, ये जो मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपको बहुत सारी बोर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप अप्लाई किया था उस बोर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि अहमदाबाद बोर्ड से आपने यदि फॉर्म अप्लाई किया तो यहाँ क्लिक करना है आपको, ठीक है, किससे, अहमदाबाद। अजमेर से किया तो यहाँ क्लिक करना है, इलाहाबाद से यहाँ, बेंगलोर से यहाँ, भोपाल से यहाँ, भुवनेश्वर से यहाँ, और सभी बोर्डों के नाम हैं यहाँ, आप देख सकते हो, चेन्नई वगैरह, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सभी की यहाँ लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप बहुत सारे यही पूछ रहे थे कि बार बार कि हम किस प्रकार चेक करेंगे, तो मैं यहाँ आपको जो डाउट है वो क्लियर कर देने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके मन में ये हो रहा था कि हमारा आवेदन रिजेक्ट हुआ है या नहीं, हो गया तो क्या करेंगे, रेलवे की इतनी दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, हमें, हमारे साथ धोखा ना हो जाए, तो आपके लिए मैं ऑफिशियल प्रूफ के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ही कि हमें बात करते हैं अजमेर बोर्ड की, हम यहाँ चेक कर लेते हैं किसकी, अजमेर बोर्ड की, ठीक है। तो अजमेर बोर्ड पे हमें क्लिक करना है, एक बार सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे इसके रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म के होते हैं वो आपसे मांग रखे हैं, ठीक है। आपको ये जो मेल आईडी पे मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो, और आपके जो मोबाइल में मैसेज आया हुआ है उसमें भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो प्रिंट आउट है उसमें फर्स्ट जो कॉलम है वो रजिस्ट्रेशन नंबर का है, आपके फ़ोटो के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यदि आपके पास प्रिंट आउट है तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ टाइप करना होगा। कहाँ टाइप करना होगा, जो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ वहाँ आपको टाइप करना होगा, जितने भी आपके नंबर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ टाइप करना होगा। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6 रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ टिक, यहाँ आपको टाइप करना होगा। इसके बाद या आपको ये वेबसाइट, सॉरी, ये जो कॉलम है सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ डे संबंधित, ठीक है। यहाँ आपकी जन्मतिथि लिखनी है, ठीक है, जन्मतिथि लिखनी है, ठीक है, जन्मतिथि, जैसे कि इसमें लिख रखा है दिनांक, पहले दिनांक लिखनी है, फिर मंथ, फिर ईयर्स, ये टाइप करना है आपको यहाँ, जन्मतिथि, ठीक है। ये जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके पास ये जो कोड दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, DKA4X, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको DKA4X, ठीक है। इस कॉलम में जैसे ये टाइप करोगे तो आपके पास ये लॉगिन का जो बटन है, आपको जो लॉगिन का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है आपको, सिंगल क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका प्रिंट आउट है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। यदि किसी का नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में पहुँच सकते हैं, आपके ईमेल आईडी, सॉरी मेल आईडी नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि आप बता सकते हो आप, और आप का जो आवेदन है रिजेक्ट हुआ है या नहीं हम चेक कर सक करके आपको बता देंगे। आपको एक सजेशन और देने जा रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको, क्रोम ब्राउजर और जो मोजिला फायरफॉक्स है उन्हीं में ओपन होगी, अदर गूगल वगैरह, यूसी न्यूज में मैंने ट्राई नहीं किया, इन दो में मैंने ट्राई किया तो दोनों में ओपन हो रही है, गूगल में ओपन नहीं होगी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गूगल में मैंने चेक किया था सर्वप्रथम, तो गूगल में ये ओपन नहीं हुई, मैंने क्रोम ब्राउजर का उपयोग किया तो क्रोम ब्राउजर में हो गया, फिर मैंने लैपटॉप में किया तो इसमें मोजिला फायरफॉक्स में मैंने देखा तो वहाँ भी ये ओपन हो गई थी। तो ये आप अपना आवेदन चेक कर सकते हो, ठीक है। आवेदन चेक करना आपको आसान
तरीका मैंने बता दिया है। यदि आपको इस भर्ती लेकर कोई भी और भी सवाल हैं परीक्षा संबंधित, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और रेलवे की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है आपको लाल अक्षरों में, उसको दबा देना, और जो साइड में बेल आइकन दिखाई देगा उसे भी दबा देना। जैसे ही मैं कोई रेलवे संबंधित वीडियो डालूंगा या अन्य भर्ती संबंधित वीडियो डालूंगा, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और तुरंत आप उस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो ये था रेलवे संबंधित लेटेस्ट अपडेट, जो सभी के कमेंट का कॉमन था। मैंने कमेंट देखे तो सभी ये पूछ रहे थे कि हमें आवेदन किस प्रकार चेक करना है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप अपना आवेदन चेक कर सकते हैं। आवेदन चेक करने का जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको वहाँ से ओपन नहीं हो रहा था, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इसका लिंक, तो मैं आपको कमेंट में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो बेहिचक, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैंने आपके कमेंट अलाउ कर रखे हैं। इस पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं रेलवे संबंधित कोई भी जानकारी। तो मित्रों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी तर्क वितर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।